कंगना रनौत पर बरसी राखी सावंत। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या कह रही हैं राखी सावंत कंगना रनौत को। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आपका बिग हेडलाइंस पर। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव में देश भर के लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के सेलेब्स भी दोनों के बीच बट चुके हैं। जहाँ एक तरफ कमाल आर खान ने कंगना को सपोर्ट किया है, तो वहीं अब राखी सावंत ने वीडियो बनाकर कंगना को लताड़ लगा दी है। राखी ने वीडियो में कंगना को बहुत बुरा भला कहा है और उनसे पूछा है कि वे मुंबई की बुराई करने के बाद वापस क्यों आ गई हैं। तो राखी सावंत ने सीधे तरीके से तीखे तेवर के साथ कंगना रनौत पे ऐसे फूट पड़ी हैं। वीडियो में राखी कहती है, अरे क्यों आई कंगना मुंबई में वापस? हम आतंकवादियों के शहर में क्यों आई? हम सब तो बॉलीवुड में आतंकवादी हैं। बॉलीवुड को तुम बहुत गालियां दे रही थी, तो फिर क्यों आ गई यहाँ? तो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं राखी सावंत के द्वारा कंगना रनौत के लिए। पूरे बॉलीवुड को मैं कहती हूँ कि कंगना को बॉयकॉट करो। हमारे बॉलीवुड मुंबई से पैसा कमाया है और फिर वहाँ से बैठ कर धमकियाँ दी। नार्को टेस्ट वालों को भी मैं कहती हूँ कि आप कंगना का टेस्ट करो। मैं कहती हूँ कि जितने भी दुनिया के लोग हैं वो कंगना से काम मांगो। तो ये बयानबाजी की है राखी सावंत ने साफ तौर पर कंगना रनौत पर, और ये स्टेटमेंट्स हैं राखी सावंत पे कंगना रनौत के लिए। राखी आगे कहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रोड्यूसर करण जौहर को तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया। तुम भी कटघरे में ही खड़ी हो मैडम। बॉलीवुड में बहुत लोग छोटे शहरों से आए हैं और बड़े स्टार बन गए हैं, तो बॉलीवुड को बुरा नहीं बोलना। वहीं इस तरीके के शब्द के साथ कंगना रनौत को किस तरीके से राखी सावंत ने ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। और आगे वह यह भी कहती हैं कि मैं वर्ल्ड के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आज तुम लोग कंगना को सपोर्ट कर रहे हो, कल देखना ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से राखी सावंत ने दावा किया है कि कोई भी कल के डेट में कंगना को सपोर्ट नहीं करेगा। और सीधे से राखी सावंत के ये तीखे तेवर कंगना के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। आप भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है, राखी सावंत ने ऐसा क्यों कहा और कैसा लगा इनका स्टेटमेंट, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।